दूरी 163 किलोमीटर की है। भीम काय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। जिसका है देश को इंतजार, वो घड़ी बस आने वाली है। पिछले एक महीने से जिस खबर के आने का लगातार इंतजार है, चंद्रयान 3 की एक एक जानकारी पर पूरे देश की निगाहें थी, वही चंद्रयान अब बस कुछ ही दिन इतिहास रचने से दूर है। लगातार अपनी एक एक मंजिल को पार कर आगे बढ़ता चंद्रयान अब चांद के कितने करीब पहुंच चुका है, इसका अपडेट आज एक बार फिर इसरो ने दिया और बताया कि कैसे एक और अहम पड़ाव चंद्रयान 3 ने पार कर लिया है। चंद्रयान 3 अब चांद की सतह से सिर्फ 163 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 3 की कक्षा आज एक बार फिर घटाई गई। आज सुबह करीब 8:30 बजे चंद्रयान की कक्षा घटाने के लिए रॉकेट फायर किए गए। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के इर्द गिर्द 153/163 किलोमीटर की कक्षा में है। इससे पहले कल इसकी दूरी 150 किलोमीटर/177 किलोमीटर थी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के अलग होने से पहले ये आखिरी ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैनूवर था। ये गुड न्यूज इसरो ने आज ट्वीट कर शेयर की, जिसमें बताया गया कि कैसे चंद्रयान 3 लैंडिंग के बेहद करीब है। ये एक महत्वपूर्ण घटना का अंतिम है, ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैनूवर करके इसको बोलेगा। उसका मतलब है दैट चांद के पास 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 लेके आना है। आज का ये घटना के बाद ये चंद्रयान चांद का दरवाजा में है, यही है इस घटना का इम्पोर्टेंस। इससे पहले चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा था और आज के कदम के बाद वो चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इस कदम के बाद अब एक बेहद अहम पड़ाव चंद्रयान 3 का इंतजार कर रहा है। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतरिक्ष से आई भारत की खुशखबरी की भी, क्योंकि चंद्रयान 3 अब चांद के और करीब पहुंच गया है। और चंद्रयान 3 को लेकर इस समय का बड़ा अपडेट आपको बता दें, चंद्रयान 3 ने अपना चौथा और कहा जाए आखिरी मून ऑर्बिट का जो मनूवर है वो पूरा कर लिया है। यानी अब चंद्रमा से महज 163 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये चंद्रयान 3 है। 163/153 किलोमीटर के दायरे में चंद्रयान अब चंद्रमा के इर्द गिर्द मौजूद है। 3, 2, 1, 0। भीम काय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। कामयाबी की उड़ान, चांद के करीब चंद्रयान। चांद पर पड़ेगा कदम, दुनिया देखेगी दम। चंद्रयान का एक और पड़ाव पार। चंद्रयान से जुड़ी गुड न्यूज आ गई। तो चंद्रमा के और करीब पहुंच चुका है भारत का चंद्रयान 3। इसरो का चंद्रयान 3 को लेकर यह बयान सामने आया है कि अब चांद की 153/163 किलोमीटर की कक्षा के अंदर चंद्रयान पहुंच चुका है और इसने आज सुबह करीब 8:30 बजे अपना जो आखिरी अर्थ जो मून बाउंड मनूवर था वो पूरा किया। यानी चंद्रमा से इसकी दूरी को घटाया गया, करीब 177 किलोमीटर की दूरी को घटाकर अब 163 किलोमीटर किया गया है। यानी चंद्रमा की सतह से अब चांद की दूरी, चंद्रयान 3 की दूरी और कम हुई है। और कल बेहद अहम दिन है, 17 अगस्त का वो दिन जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग होगा और चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा के अंदर पहुंचेगा और उसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को लैंड होना है चांद की सतह के ऊपर। 3, 2, 1, 0। भीम काय रॉकेट
आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। जिसका है देश को इंतजार, वो घड़ी बस आने वाली है। पिछले एक महीने से जिस खबर के आने का लगातार इंतजार है, चंद्रयान 3 की एक एक जानकारी पर पूरे देश की निगाहें थी, वही चंद्रयान अब बस कुछ ही दिन इतिहास रचने से दूर है। लगातार अपनी एक एक मंजिल को पार कर आगे बढ़ता चंद्रयान अब चांद के कितने करीब पहुंच चुका है, इसका अपडेट आज एक बार फिर इसरो ने दिया और बताया कि कैसे एक और अहम पड़ाव चंद्रयान 3 ने पार कर लिया है। चंद्रयान 3 अब चांद की सतह से सिर्फ 163 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 3 की कक्षा आज एक बार फिर घटाई गई। आज सुबह करीब 8:30 बजे चंद्रयान की कक्षा घटाने के लिए रॉकेट फायर किए गए। इसरो के मुताबिक अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के इर्द गिर्द 153/163 किलोमीटर की कक्षा में है। इससे पहले कल इसकी दूरी 150/177 किलोमीटर थी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के अलग होने से पहले ये आखिरी ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैनूवर था। ये गुड न्यूज इसरो ने आज ट्वीट कर शेयर की, जिसमें बताया गया कि कैसे चंद्रयान 3 लैंडिंग के बेहद करीब है। ये एक महत्वपूर्ण घटना का अंतिम है। ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैनूवर करके इसको बोलेगा, उसका मतलब है दैट चांद के पास 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 लेके आना है। आज का ये घटना के बाद ये चंद्रयान चांद का दरवाजा में है, यही है इस घटना का इम्पोर्टेंस। इससे पहले चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा था और आज के कदम के बाद वो चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इस कदम के बाद अब एक बेहद अहम पड़ाव चंद्रयान 3 का इंतजार कर रहा है। अब चंद्रयान 3 के लिए कल का दिन बेहद अहम है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग किया जाएगा, जिसके बाद चंद्रयान 100/100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाएगा। ये लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 की आखिरी कक्षा होगी और उसे 23 अगस्त को होने वाली लैंडिंग से पहले तक इसी कक्षा में रहना होगा। इस कक्षा में चंद्रयान 3 की बड़ी चुनौती बाकी अंतरिक्ष यान से टकराव को टालने की है। भारत का चंद्रयान 3 14 जुलाई से चांद के सफर पर है और 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंचा था, तब उसने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती से चांद तक अभी तक सभी काम ये प्रोपल्शन मॉड्यूल किया। कल के बाद ये चंद्रयान लैंडर अपनी पैर में खड़ा होना है, ये है इसका महत्वपूर्ण विषय। एंड ये सेपरेशन हो गया तो लगभग अगस्त 23 के आसपास चांद में लैंड होना जरूरी हो जाएगा। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ा है। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भी इस्तेमाल किया है। लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 ने सबसे पहले पृथ्वी के छोटे चक्कर लगाए, फिर हर चक्कर के साथ इसकी दूरी बढ़ी है। पांचवें चक्कर में प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा है। यहाँ फिर से वो चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। अब ये चक्कर बड़े से छोटे हो रहे हैं। यहाँ से चंद्रयान 3 लैंडर अपने अगले कदम यानी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है और 23 अगस्त को इसके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धरती से 14 जुलाई को रवाना हुआ चंद्रयान 3 40 दिन के सफर में से 32 दिन पूरे कर चुका है। आपको बताते हैं कि किस तरीके से अब तक चंद्रयान 3 का सफर रहा। 14 जुलाई को 2:35 पर इसे श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था और उसके बाद यह धरती के इर्द गिर्द इसने चक्कर लगाए, यानी इसने अपनी कक्षा को धरती से आगे बढ़ाया, धरती से यह दूर होता चला गया और उसके बाद यह स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल करके भारत ने इसे चंद्रमा की सतह तक पहुंचाने का जो पूरा प्लान तैयार किया था, इसमें 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक यह चंद्रयान 3 चंद्रमा के करीब पहुंचा और उसके बाद इसने धीरे धीरे अपनी इस कक्षा को घटाना शुरू किया, यानी वो चंद्रमा के इर्द गिर्द धीरे धीरे पहुंचता चला गया। और ये चंद्रयान 3 से भेजी गई पहली तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जो उसने इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स को भेजी थी और उसके साथ ही सतह से जो दूरी थी वो 6 अगस्त को 170 किलोमीटर गुणा 4313 किलोमीटर की थी और चंद्रमा से ये जो तस्वीर उसने भेजी थी इस दूरी से, और उसके बाद ये कक्षा लगातार घटती चली गई, यानी 9 अगस्त को एक बार फिर जो रॉकेट्स हैं वो
फायर किए गए और ये जो दूरी थी ये 170 किलोमीटर गुणा 1437 किलोमीटर, यानी आप देखिए जो अधिकतम दूरी है इस अधिकतम दूरी को कम किया जा रहा है और धीरे धीरे ये अधिकतम दूरी कम होती चली जाती है। उसके बाद एक बार फिर जो मिशन कॉम्प्लेक्स है वो इसका ऑर्बिट रिड्यूस करता है 14 अगस्त 2023 को, सतह से दूरी अब घटकर रह जाती है 150 किलोमीटर गुणा 177 किलोमीटर, और उसके बाद 16 अगस्त को सुबह 8:30 के आसपास यानी आज के दिन एक बार फिर रॉकेट्स फायर किए जाते हैं, इसका जो ऑर्बिट है वो घटाया जाता है और आखिरी पड़ाव यानी जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके उससे विक्रम लैंडर के अलग होने से पहले ये आखिरी बार मनूवर किया गया और अब जो सतह से उसकी दूरी है वो करीब करीब 153 किलोमीटर से लेकर 153 गुणा 163 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी के साथ अब चांद के लगभग दरवाजे पर पहुंच चुका है चंद्रयान तीन और ये चंद्रयान तीन यहां से आगे जाएगा यानी अब इसे लैंड करना है और लैंडिंग से पहले बेहद महत्वपूर्ण होगा ये तमाम मनूवर है चंद्रयान का। चांद का खजाना, चंद लाएगा चंद्रयान, महाशक्तियों में शुरू घमासान। चंद्रयान थ्री जैसे जैसे चांद के करीब आ रहा है दुनिया भर की निगाहें भारत और उसके मिशन मून पर लगी हैं। साउथ पोल पर 23 अगस्त को कदम रखने के लक्ष्य के साथ चंद्रयान 3 बेहद चौकन्ने तरीके से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 खजाने से भरपूर चांद की अलग अलग तस्वीरें भी धरती की ओर भेज रहा है। इसरो में बैठे वैज्ञानिक पल पल चंद्रयान पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच दुनिया की महाशक्तियों ने भी अपने अपने मिशन मून को हवा देना शुरू कर दिया है, यानी चांद को लेकर स्पेस वॉर तेज हो गई है। रूस ने तो हाल ही में मिशन लूना 2.5 लॉन्च कर दिया है और उसकी कोशिश चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की है। वहीं अमेरिका भी चीन को हर हाल में खदेड़ते हुए अपने मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। चीन भी अपने मिशन मून का ऐलान जोर शोर से कर चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो रूस चांद पर खजाना खोजने के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहता है। If Artemis plays out, it's not clear because everything's always up in, you know, sort of delays. Americans might be back on the surface before also similar times. So you'll see those two presences. But in terms of actual extraction and those kinds of industrial activity, we're looking way into the future. And hopefully by that time, there may be some collective agreement internationally about once that's impending on what to do. तो अगले दो दिनों के अंदर कहा जाए कि एक रेस तेजी से चल रही है अंतरिक्ष के अंदर, यानी लूना 25 जो कि रूस का अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा के लिए रवाना हुआ है और साथ ही भारत का चंद्रयान 3 कौन पहले पहुंचेगा, क्योंकि 21 तारीख जो है वो तय की जा रही है लूना 25 के जो कि रूस का है उसे लॉन्च किया गया और उसका मिशन लाइफ करीब 1 साल का है। साथ ही भारत का जो चंद्रयान 3 है उसका मिशन लाइफ करीब 14 दिन का है, जिसके अंदर ये विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साथ ही लूना 25 21 से 22 अगस्त को लैंडिंग इसकी अपेक्षित है। साथ ही जो चंद्रयान 3 है उसकी 23 अगस्त को लैंडिंग है। इसरो के मुताबिक चांद के लिए ये जो बढ़ी हुई दिलचस्पी है इसकी बड़ी वजह यह भी है कि भविष्य में अगर चांद का कॉलोनाइजेशन होना है तो उसके लिए ये तमाम जानकारियां जो जुटाई जा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। लूना 25 के अंदर रोवर नहीं है, उसमें केवल लैंडर है, जबकि जो चंद्रयान 3 है उसके अंदर रोवर भी मौजूद है, यानी प्रज्ञान रोवर जाकर जो वहां इन सीटू टेस्ट करेगा वो इसके अंदर मौजूद है। ऑक्सीजन की खोज करना ये प्रमुख
वजह है, मिशन जो ऑब्जेक्टिव जैसे कहा जाता है वो लूना 25 का, जो कि रूस का अंतरिक्ष यान है, उसका है। जबकि चंद्रमा की सतह की तस्वीरें भेजने के साथ साथ जो वहां की जमीन के कई टेस्ट हैं वो महत्वपूर्ण टेस्ट जो हैं वो चंद्रयान 3 करेगा। इसके अंदर वातावरण, खनिज, मिट्टी से जुड़ी तमाम जानकारियां ये जुटाएगा। साथ ही चंद्रमा की आंतरिक संरचना की जांच पड़ताल और उसकी जो अनुसंधान है उसके अंदर लूना 25 महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। अंतरिक्ष के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है।